I am Dr. K.K Ambastha, consulting physician, practicing at Patna. आज के दिन हम डायबिटीज मेलिटस के बारे में चर्चा कर रहे हैं और ये आज की टॉपिक है कि किस तरह से डायबिटीज मेलिटस के पेशेंट को रहना है ताकि ब्लड शुगर कंट्रोल रहे, आइदर फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा के या आप थेरापेटिक करके। तो अब हम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले सभी डायबिटीज़ के पेशेंट को अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, एटलीस्ट एरोबिक एक्सरसाइजेज जो करनी चाहिए, ब्रिस्क वॉकिंग वगैरह, एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है 150 मिनट्स पर वीक होना चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा है कि आपको अपने खाने में संतुलित आहार लेना चाहिए, वैसा आहार लेना चाहिए जिसमें कि शुगर की मात्रा नहीं हो और जैसे और ये फाइबर रिच फूड हो। आप प्रोटीन ज़्यादा लें, फैट आप ले सकते हैं लेकिन वैसा फैट लें जो कि हमको हार्म नहीं करे, और सबसे कम फैट लेना है, प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा लेना है और कार्बोहाइड्रेट को बहुत ही कम लेना है। खास करके सुक्रोज और फ्रुक्टोज जो है उस टाइप के शुगर को ले सकते हैं। अब मैं आ रहा हूँ कि किस टाइप की एक्टिविटी करनी चाहिए। एक्टिविटी में जैसे फिजिकल एक्टिविटी कभी भी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल नहीं होनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी हम खास करके अभी के जो कल्चर हैं, कंप्यूटर पर वर्क जो करते हैं उनके लिए हम बता रहे हैं। लोग घंटों सात घंटा कंटिन्यूसली बैठे रहते हैं, उनके लिए हम बता रहे हैं कि एवरी 30 मिनट्स अपने वर्क के अराउंड कम से कम एवरी 30 मिनट्स आप घूम लें, कम्प्लीटली बैठे मत रहें। इससे आपको स्पाइन की भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, उसके साथ साथ आपका शुगर भी कंट्रोल रहेगा। दूसरा है कि खाना में तो हम आप बता ही दिए, संतुलित आहार होना चाहिए और एक समय की पाबंदी भी होनी चाहिए। डायबिटीज़ में सबसे बड़ी बात है कि अपना जो भी काम करें या जो भी खाना खाएं एकदम समय से खाएं। अगर समय से नहीं खाएंगे तो कभी ब्लड शुगर फास्टिंग कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा, या ब्लड शुगर पीपी बढ़ा हुआ रहेगा, माने कभी भी सामंजस्य दोनों में नहीं रहेगा। आप चाहे आपको लगेगा कि अरे ये तो फास्टिंग बहुत बढ़ गया, तो आप कहिएगा नहीं नहीं ये क्यों वो कैसे बढ़ गया, दोनों काहे नहीं कंबाइन कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है हम लोगों का कि यही कि ये समय पर खाना लेना है, ये तभी जाके आप मेंटेन रह सकते हैं। दूसरा है कि अगर डॉक्टर के द्वारा दिया हुआ जितना भी दवा है उसको समय से लें और समय से चेक कराएं। जितना भी डॉक्टर साहब जो भी चिकित्सक जो भी जिनके अंडर में हैं आप उनकी बात माने। जहाँ तक फल की बात है तो फल में आप सब फल ले सकते हैं, प्लांट फूड्स पे ले सकते हैं, प्लांट फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन एनिमल फूड्स को अवॉइड कीजिए। चिकन भी आप ले सकते हैं, लो चिकन जिसमें फैट कम हो सके, फिश आप ले सकते हैं, खास करके ये हम नॉन वेजिटेरियन के बारे में बोल रहे हैं। अंडा है उसमें भी आप येलो पोर्शन छोड़ दें, वाइट वाला पोर्शन लें, वाइट वाला पोर्शन प्रोटीनस पोर्शन होता है, उसको आप ले सकते हैं। उसके साथ ही साथ सभी पेशेंट को, डायबिटीज पेशेंट को ये भी हम बताने जा रहे हैं कि आँख में कोई प्रॉब्लम हो नहीं हो लेकिन ईयरली आपको चेकअप कराना चाहिए। क्या है कि रेटिना की एग्जामिनेशन ईयरली होनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर डैमेज हो जाएगी तो फिर जल्दी ठीक होने की चांसेस नहीं रहती। सेकेंड है कि अगर आपको ये डायबिटीज़ है ही तो आपको ईयरली HbA1c जो कि ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन है, जिसको पिछले 3 महीने का ब्लड शुगर का लेवल बताता है, वो आपको ईयरली 2 to 3 times कराना चाहिए। ब्लड शुगर क्वार्टरली कराना चाहिए, अपने फूड का एग्जामिनेशन रेगुलर कराना चाहिए एटलीस्ट एनुअली, ताकि आपको फूड कहीं डायबिटिक फूड नहीं हो, कहीं कटा छटा नहीं हो, आपको पता नहीं चले, चूँकि आपकी लॉस ऑफ सेंसेशन रहती है, आपको पता नहीं चलेगा कि घाव है कि क्या हुआ, अंदर में चलते चलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं कि फूड की एग्जामिनेशन भी उसकी एटलीस्ट एनुअली होनी चाहिए। न्यूरोपैथी को देखने के लिए, नर्व को देखने के लिए भी एनुअली आपको डॉक्टर साहब के पास जाना चाहिए कि उसका एग्जामिनेशन कराना चाहिए। साथ ही साथ ब्लड प्रेशर एटलीस्ट क्वार्टरली चेक कराना चाहिए। बहुत से ओल्ड एज में बहुत से कोमॉर्बिड कंडीशन भी रहता है,
उस केस में डायबिटीज पेशेंट को ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, निमोकोकल वैक्सीन ये सब ले लेना चाहिए। उम्मीद है कि अभी जो हमने वीडियो के द्वारा आपको डायबिटीज़ के बारे में सब कुछ बताया है वो आपको बहुत फ़ायदा देगा। अगर आपको इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन आए पूछना हो या अगर जानना हो तो आप डायरेक्ट हमसे मिल सकते हैं। धन्यवाद।